पहले आप यह तय कीजिए कि आप उस विकास के लायक हैं या नहीं है। दूध उसी बर्तन में डाला जाता है जो सुपात्र होता है, जहां दूध फटे ना। तो हमारी सिर्फ गुजारिश हम सब लोगों से यह है, हम भी जनता हैं, गुजारिश सिर्फ इतनी है कि पहले सुपात्र बनिए। सरकारों को कोसना, सरकारों की कमियों को उजागर करना ये, और खुद सुपात्र बनना ये दोनों अलहदा बातें हैं। और अभी बात दूसरी बात की हो रही है, हमको सुपात्र बनना होगा, हमको उस लायक बनना होगा कि हम उस विकास के मानदंडों में खरा उतर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद रामाश्रय कुशवाहा जी, बहुत धन्यवाद अशोक सिंह जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो आने के लिए। आते रहिए, आगे भी चर्चा इस बारे में हम आपसे करते रहेंगे। एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के उस पार बात उत्तराखंड की होगी। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं, तुलसी सादा पान मसाला। बेहतरीन कंस्ट्रक्शन, कम प्राइस, लग्जरियस फैसिलिटीज, एक्सेलेंट लोकेशन और नेचर के पास। श्री रजनीगंधा ग्रीन्स नोएडा एक्सटेंशन, अ क्वालिटी प्रोडक्ट बाय राजपूत ग्रुप ऑफ कंपनीज। स्वामी विवेकानंद की 150वीं जयंती पर कृष्णांचल स्पोर्ट्स एंड एजुकेशनल ट्रस्ट आयोजित कर रहा है रुड़की मैराथन 2013, एक दौड़ माँ गंगा के लिए। इस मैराथन का मीडिया पार्टनर है समाचार प्लस। मैं एक लड़की हूं इस समाज की जननी, एक माँ, एक बेटी, एक पत्नी और एक बहन भी हूं जो इस समाज और परिवार का आधार है। जब आप एक कन्या की भ्रूण हत्या करते हैं तो आप उन सभी रिश्तों की हत्या करते हैं जो आपके जीवन का आधार है। पिता बने, भाई बने, पति बने, हत्यारे नहीं। लड़कियों को अपनाएं और लिंग भेद की इस सामाजिक विसंगति को जड़ से मिटाएं। अपने कुटुंब को बढ़ाएं, लड़के ही लड़कियों को भी संसार मिलाएं। कन्या का जन्म होना अच्छा शुभ संकेत हमारे संस्कृति में माना जाता है और कन्याओं को बचाएं ताकि समाज के अंदर समरसता बनी रहे। किसी भी परिवार के यहाँ कन्या भ्रूण हत्या होती है तो उसकी जानकारी शासन प्रशासन को दें, कन्या को बचाएं। सेव द गर्ल चाइल्ड, कन्या भ्रूण हत्या एक अपराध है। लिंग जांच एवं कन्या भ्रूण हत्या एक अपराध है। इसमें टेस्ट है तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा पेंटागन मॉल हरिद्वार, उत्तराखंड का सबसे बड़ा मॉल और मल्टीप्लेक्स निर्माता सुपरटेक। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं, इसमें है बहुमूल्य प्राकृतिक रूप केवड़ा, पवित्र शीतल चंदन तेल, अव्वल दर्जे का गुणकारी कत्था, खास खुशबू वाली इलायची, उम्दा क्वालिटी वाली जायकेदार सुपारी। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। हम रजनीगंधा खाने वाले हैरी गैरी चीजों को मुंह नहीं लगाते। इसमें तंबाकू बिल्कुल नहीं, इसीलिए तो मैं भी खाती हूँ। क्या इधर डैड ली बिजनेस ट्रिप के लिए निकले इटली, उधर उंगली और जूली का कंबाइंड स्टडी का प्लान बना सीक्रेटली और भाइयों को भगा दिया फिल्म देखने क्लेवरली। थैंक यू भैया। एंड देन इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आजली क्या? मैं चाहूंगा कि जब जब भी मेरा जन्म हो वृंदावन की इसी पावन भूमि में हो।
A unique project with world-class facilities just for you and your loved ones. Nalanda Laser Sanskar City. At Vrindavan. अपने मेहमानों को सादा पानी मत पिलाओ, जरा कैच पियोस को मिलाओ। आम पन्ना, नींबू पानी, जलजीरा, वाटरमेलन, रोज और ऑरेंज जैसे मजेदार फ्लेवर्स में। और अब बात उत्तराखंड की करेंगे, जहां सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर फौरी कदम उठाते हुए विजय बहुगुणा की सरकार ने 25 लोगों से सरकारी गनर वापस ले लिए हैं और संकेत दिए हैं कि आने वाले दिनों में कुछ और लोगों से गनर की सुविधा छीनी जा सकती है। इससे पहले आरोप लगाए जा रहे थे कि सरकारी गनर्स को स्टेटस सिम्बल के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है और इससे राजकीय कोष को भारी चूना लग रहा है, लेकिन बहुगुणा सरकार ने एक नजीर पेश की है। साथ ही इसके पीछे एक चेतावनी भी छिपी है कि कोई भी गनर को अपने रौले, हनक, ठसक, रसूख या जलवे के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता, और अगर करेगा तो खुद भुगतेगा। अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं इस मुद्दे पर बात करने के लिए, देहरादून आपको लेकर चलेंगे। वरिष्ठ बीजेपी नेता उमेश अग्रवाल साहब हमारे साथ जुड़ेंगे, विनोद भरतवाल साहब जुड़ेंगे, आप समाजवादी पार्टी के प्रदेश इकाई के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, आप सभी लोगों से इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। जी, तो उत्तराखंड सरकार ने 25 लोगों से सरकारी गनर वापस लिए हैं, जिनसे गनर वापस लिए गए उनमें कई बड़ी हस्तियां भी शामिल हैं, लेकिन सरकार ने संकेत दिया है कि यह सिलसिला यहीं थमेगा नहीं, बल्कि आने वाले दिनों में कुछ और लोगों से गनर वापस लिए जाएंगे और सरकारी खजाने पे जो बोझ पड़ रहा है उसे कुछ हद तक कमतर किया जाएगा। सूबे के माथे पर बोल्ड इटैलिक अक्षरों में लिखा है कर्जदार। गठन के 12 सालों में ही 25,000 करोड़ का कर्ज हो गया। सूबे के हर बच्चे के हिस्से में जन्म के साथ ही 25,000 कर्ज आ जाता है। आय के स्रोत पैदा नहीं हो पा रहे, बढ़ते खर्चों में कटौती नहीं हो पा रही, ये सारे अलंकरण उत्तराखंड के लिए हैं। वाकई हालात गड़बड़ हैं। तो लीजिए, एक अच्छी पहल हो गई और 25 माननीयों से छिन गए गनर। वो गनर जिसके लिए राज्य की एक कोष से बेइंतहा पैसे खर्च होते थे। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए बहुगुणा सरकार ने गनरों के आवंटन की समीक्षा की और जिन लोगों को गैर जरूरी रूप से गनर की सुविधा मिली हुई थी उनसे वापसी का सिलसिला शुरू कर दिया। नतीजा, 25 लोगों से गनर की सुविधा वापस ले ली गई। यानी अब किसी के लिए भी स्टेटस सिंबल के रूप में सरकारी गनर इस्तेमाल कर पाना मुश्किल होगा। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हैं राज्य सरकार को कि आप जो है गनर और रेड लाइट इसको पैम को जवाब दीजिए, इसकी लिस्ट घटाइए, किसको दिया हुआ है, क्यों दिया हुआ है। तो शासन समीक्षा कर रहा है और जरूर घट रहे हैं और भी घट सकते हैं। सुना आपने, अभी कुछ और लोग बेगनर हो सकते हैं। वो इसलिए भी अब भी कई माननीय 3-3, 4-4 गनर का इस्तेमाल कर रहे हैं और वो भी सिर्फ रौब और रसूख के नाम पर। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, हम स्वागत करते हैं उस निर्णय का, लेकिन शासन स्तर पर सरकार ने पहले ही ये निर्णय कर लिया था कि जो लोग गनर के अधिकारी नहीं हैं या गनर के लिए जो जिन लोगों ने उसका मिसयूज करना प्रारंभ कर दिया था तो उसमें काफी पहले हम लोगों ने निर्णय ले लिया था, जिसको कि अभी ये संयोग की बात है कि इधर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय और उधर हमारा पुराना निर्णय एक साथ जारी हुआ। अब सरकार का ये कदम भले ही सराहनीय हो, लेकिन जिनसे रौब छिना उनका दुखी होना तो बनता ही है। ये अलग बात है कि वो खुलकर इसे जाहिर नहीं कर सकते। और सरकार ने महसूस किया होगा कि सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है तो सुरक्षा हटा दी गई, और आवश्यकता इस बात की है कि विस्तृत समीक्षा होनी चाहिए और किनको आवश्यकता है और किनको नहीं है ये विचार करने के उपरांत सुरक्षा व्यवस्था दी जानी चाहिए। देखा, नाराजगी छलक ही गई। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अब उत्तराखंड की सरकार गनरों की संख्या कम करने में जुट गई है। सरकार ने कई माननीयों से उनके गनर छीन लिए हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने एक बार फिर कहा है कि आने वाले दिनों में कई माननीयों से गनर की सेवा ली जा सकती है वापस। कैमरामैन पवन के साथ पंकज पवार, देहरादून समाचार प्लस। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। विनोद जी, जी ये ठीक हो रहा है? नहीं, ठीक है, समीक्षा होनी चाहिए। जिन लोगों को
पात्र हैं उनको मिलना चाहिए, जो पात्र नहीं है उन्हें नहीं मिलना चाहिए, परंतु दृष्टि सरकार की एक जैसी होनी चाहिए। अच्छा ठीक है उमेश जी, कांग्रेसों की जान बचाने के लिए तो आप सब कुछ करो। विनोद जी ठीक बात है, ठीक बात है, अब जरा उमेश जी से बात भी कर लें, हमारे बड़े भाई नाराज बहुत जल्दी होते हैं मुझसे खास तौर पर। ये उमेश जी ठीक हो रहा है ये जो हो रहा है? देखिए ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उस आदेश के अनुरूप जो भी निर्णय सरकार ने लिया वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन उसके अंदर जो राजनीतिक बू आ रही है, जिस तरीके से कांग्रेस के लोगों के, हरिद्वार के एक बहुत बड़ा जो विधायक है, देहरादून के भी कुछ ऐसे कांग्रेसी बड़े नेता हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। मैं आपकी जानकारी में डालता हूं कि जो भी गनर दिया जाता है वो बाकायदा बड़ी लंबी छानबीन के बाद आवंटित किया जाता है। आज अचानक सरकार को ऐसा लग रहा है कि जिन लोगों को गनर दिए गए वो ठीक लोग नहीं थे, और जबकि इसी सरकार के नुमाइंदों ने, इसी सरकार के अधिकारियों ने पूरी जांच के बाद, पूरे व्यवस्था के बाद उत्तराखंड सरकार ने ही गनर आवंटित किए थे। अब ऐसी स्थिति में जैसे बीजेपी के लोगों को, बीजेपी के विधायकों पर तक से गनर हटाने की बात हो रही है, हाँ। इस प्रकार का जो भी कदम है वो ऐसा लग रहा है जैसे राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता, राजनीतिक एक खराब करने की दृष्टि से, हाँ। और निर्णय है, और मेरा ये मानना है कि अगर लेने हैं वापस तो सबको एक आईने में, एक तराजू में ये सवाल, आपका सवाल करना चाहिए। आपका सवाल बहुत बहुत मौजू है, बहुत वाजिब है, तर्क सम्मत है, क्योंकि आपसे भी गनर वापस लिए गए अग्रवाल साहब, और भरतवाल साहब आपसे भी गनर वापस लिए गए। भरतवाल साहब आपको गनर क्यों दिए गए इसकी वजह मेरे पास है। 1988 में जब आप छात्र नेता थे तब आपको तकरीबन आधा दर्जन गोलियां मारी गई थी, ईश्वर की कृपा थी कि आप बच गए, वरना हमलावरों ने कोई कसर छोड़ी नहीं थी आपकी जान लेने की। इस वजह से आपको गनर दिए गए। अब मुझे नहीं पता वो दुश्मनी आज भी कंटिन्यू है या नहीं है, लेकिन चूंकि गनर आपको इस वजह से दिए गए थे, क्या सरकार के सामने ये इतना जो ग्राउंड है ये ग्राउंड पर्याप्त नहीं है? मुख्यमंत्री जी को तो पता ही नहीं है ये ग्राउंड, हाँ। और आपको बताना चाह रहा हूं जिन लोगों ने मुझे हमला किया, हाँ। वो आज भी एब्सकॉन्डर हैं, फरार, हाँ। हैं, हाँ। और कई मुकदमा चलाए नहीं, उसमें तो लोग फरार हो गए, उससे जान का खतरा बना हुआ है, हाँ। मैंने मुख्यमंत्री जी का कल फोन आया था, हाँ। जब मैंने उनसे कहा, उन्होंने कहा मुझे तो पता ही नहीं, हाँ। और मुझे तो LIU पे वो लग रही है शक, हाँ। कि लोकल इंटेलिजेंस यूनिट को यही पता नहीं, पुलिस के अफसरों को पता नहीं। भाई ऐसा है, हमें कोई शौक नहीं, आप अपने कांग्रेसियों को बचाओ और विपक्षियों को मरवाओ, क्योंकि आपके विरोधी कम होते रहेंगे और उन्हें बचाते रहो, उसका हमें कोई विरोध नहीं है, परंतु हम ये चाहते हैं कि ईमानदारी के साथ, अगर आपको ये लगता है कि हमें देना चाहिए तो दो, और ईमानदारी के साथ नहीं लगता तो बिल्कुल मत दो। मुझे क्या उसको अगर लेना ही होता तो मैं उत्तर प्रदेश मेरे निकट में है, मैं वहीं से कुछ कह सुन के, अमिताभ जी बैठे हैं या सब आप लोग हैं, नहीं नहीं, और आप भी चलती है, और आप भी चलती है, नहीं, 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 मैं एक बात कहूँ विनोद जी, विनोद जी एक बात कहूंगा, जो बात उमेश अग्रवाल जी ने कही ना उस पर मुझे एक बात स्मरण आई, ये सत्य नहीं है, ये व्यवहारिक सत्य नहीं है जो उमेश भाई ने कहा कि बहुत छानबीन के बाद गनर मिलते हैं। गनर कैसे मिलते हैं मैं बता दूं, कोई भी मुख्यमंत्री हो उसके साथ बैठिए, चाय पीजिए, वो एक कहता भाई साहब एक कागज देना, प्लेन पेपर होता उस पर चार लाइन लिख दी जाती जान खतरा, मुख्यमंत्री उस पर लिख देता निःशुल्क स्वीकृत। उसके बाद जो नीचे का दरोगा और होमगार्ड है ना, उसके बाद वो उसी के मुताबिक फाइल बना के भेज देता है और गार्ड आपके घर पहले पहुंच जाता है, फाइल बाद में। ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है? दिल पे हाथ रख के कहिए, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। 5 मिनट में गनर मिलता है, 5 मिनट में, राज्य से लेके और केंद्र तक में। और कहिए तो केंद्र का भी उदाहरण दे दूं, जेड प्लस कैसे मिलती है 5 मिनट में, 5 मिनट में। नरसिंह मनमोहन सिंह जी को विश्वास मत सिद्ध करना था, अजीत सिंह जी की पार्टी का सहयोग उनको चाहिए था, उनकी पार्टी की एक नेता थी, उनको 1.5 घंटे में जेड प्लस मिल गई थी, 1.5 घंटे में, और उसके बाद वोट भी नहीं दिया अजीत सिंह की पार्टी ने सरकार के पक्ष में, तब सरकार दुखी हो गई अलग से कि जेड प्लस भी ले ली और वोट भी नहीं दिया। 1.5 घंटे में जेड प्लस मिल गई थी, सारा सिक्योरिटी थ्रेट परसेप्शन आंक लिया था IB ने, जेड प्लस के लिए तो IB की रिपोर्ट भी लगती है, 1.5 घंटे में सब लग गई, आपकी 7 पीढ़ियों तक का सब जान गए वो दुश्मनी और खतरा सरकार में बैठे लोग।
प्लेन पेपर पर सिक्योरिटी मिल जाती है, इसीलिए ये धतकर्म होता है, इसीलिए ये गड़बड़ घोटाला होता है, अपात्र पा जाते हैं और जिनको वास्तव में खतरा है वो बेचारे कहीं ना कहीं छूट जाते हैं। मैं इस बात से सहमत हूं कि सुरक्षा देने या सुरक्षा वापस लेने में सियासी चश्मा नहीं।